गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशिमा तनेजा, प्रोफेसर एंड हेड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी विद थैलेसीमिया में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक कंटिन्यूएशन है जो हमारा थैलेसीमिया अवेयरनेस है इस महीने का। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं थैलेसीमिया। तो प्रेगनेंसी से पहले हम बात करते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी से पहले जान सकते हैं कि हमें थैलेसीमिया है कि नहीं? तो प्रेगनेंसी से पहले गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स हैवी होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हम उसको एक नॉर्मल बात मानते हैं। लेकिन जिनका क्रॉनिकली कम रहता है HB, कम रहता है, उनको अपना थैलेसीमिया टेस्ट HB के साथ करवा लेना चाहिए, हो सकता है उनको थैलेसीमिया की शिकायत हो। तो थैलेसीमिया दो तरीके का होता है, एक माइनर एक मेजर। मेजर तो हमें मालूम है कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, पर जो माइनर है उनका पता भी नहीं चलता क्योंकि उनको सिर्फ थकान होती है और HB कम होता है। तो पीरियड्स जिनके हैवी आते हैं उनका HB के साथ थैलेसीमिया स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए, जिससे हमें पक्का पता हो कि उनको थैलेसीमिया है कि नहीं है। मान लो गर्ल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उनकी अब शादी होने वाली है, शादी से पहले भी हम अपना थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट मान लो नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, अब शादी हो गई, शादी के बाद भी हम पता कर सकते हैं कि हमें थैलेसीमिया है कि नहीं है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं। तो प्रेगनेंसी से पहले अपने डॉक्टर से बात करें और थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। बट अगर आपको नहीं पता चलता कि आपको थैलेसीमिया है कि नहीं और प्रेगनेंसी हो गई, तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने रूटीन के टेस्ट के साथ थैलेसीमिया का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर तो थैलेसीमिया का टेस्ट ठीक है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर पॉजिटिव है तब प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये माँ से बच्चे में जा सकता है। तो इसलिए बच्चे में ना जाए, हमें आगे के टेस्ट करने चाहिए ताकि बच्चा सेफ पैदा हो। हम नहीं चाहते कोई भी बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो और बाद में ब्लड लगे। तो इसलिए अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है आप सेफ हो, बट अगर थैलेसीमिया आता है तो आपने अपने हस्बैंड का भी टेस्ट करवाना है क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जीन हस्बैंड से और वाइफ से जाके बच्चे में जाके थैलेसीमिया की डिजीज बना सकती है। तो हस्बैंड्स शुड बी मोटिवेटेड कि अगर वाइफ का थैलेसीमिया पॉजिटिव है तो वो भी अपना जाके टेस्ट करवा दें। तो अगर हस्बैंड का टेस्ट नेगेटिव है और मदर का पॉजिटिव है तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये मेजर होगा। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ माइनर की आएगी और माइनर तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वाइफ थैलेसीमिया पॉजिटिव, हस्बैंड नॉर्मल, नो प्रॉब्लम्स। बट अगर हस्बैंड का भी पॉजिटिव आ गया तो मदर को भी थैलेसीमिया है, हस्बैंड को भी है, पर दोनों माइनर है क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं था। अब ये दोनों की माइनर प्रॉब्लम आगे बच्चे में जाके मेजर बना सकती है और हम नहीं चाहते कि हम ऐसा चाइल्ड पैदा करें जिसको बाद में सारी लाइफ लॉन्ग ब्लड लगता रहे। तो अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो हमें आगे प्रेगनेंसी में 12 वीक्स पे पेट में हम नीडल डालते हैं जो यूट्रस में जाती है और प्लेसेंटा में जाती है। प्लेसेंटल टिश्यू हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं कि बच्चे का क्या स्टेटस है, क्या बच्चा माइनर है मेजर है। तो ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो लोग घबरा जाते हैं कि ये टेस्ट नहीं करवाना, पर ये टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आने वाले समय में बच्चा सेफ होगा कि नहीं। मान लो ये 3 महीने 12 हफ्ते पे नहीं करवा पाए तो 16 हफ्ते पे हम यूट्रस के आसपास जो बच्चा जिस पानी में फ्लोट करता है उसका टेस्ट हम आगे भेज सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं है। तो इससे हमारी प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगी, हमें प्रेगनेंसी में ही पता चल जाएगा कि बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं। अगर तो थैलेसीमिया की बच्चे की रिपोर्ट माइनर आती है तो आगे जाके बच्चा ठीक रहेगा, उसकी नॉर्मल लाइफ रहेगी। बट अगर मेजर आता है तो हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आने वाले समय में बच्चे के लिए अच्छा नहीं है और इसके लिए हम उनको अबॉर्शन की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, बट ये पेरेंट्स का ही डिसीजन रहेगा। सो हमारा काम है अवेयरनेस लेके जाना आप तक कि आप
पीरियड्स के टाइम भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी से पहले भी करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी करवा सकते हैं. सो ये टेस्ट अवेलेबल है. एंड ये इन्फॉर्मेशन हम आप सबको देना चाहते हैं कि जो मदर्स जिनको ऑलरेडी पता है वो थैलेसीमिया माइनर है, उनकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. बस रूटीन अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, उनका एच बी थोड़ा कम होगा, हो सकता है डिलीवरी के टाइम उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़े. बच्चे की भी ग्रोथ थोड़ी सफ़र कर सकती है, क्योंकि माँ का जब एच बी कम होगा बच्चे तक ऑक्सीजन कम जाएगी, बच्चे का साइज छोटा रह सकता है. सो थैलेसीमिया माइनर की मदर को बस रूटीन चेकअप्स करवाने हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम मदर या बच्चे में आए तो वो डील हो सकती है. और हमारे दयानंद में ये सारी फैसिलिटीज हैं कि अगर मदर को ब्लड की ज़रूरत हो, ब्लड बैंक अवेलेबल है. अगर बच्चे की ग्रोथ थोड़ी सी कम है तो हमारे पास बहुत अच्छी नर्सरी है, हमारा सारा टीम मिलके मदर एंड बच्चे को सेफ रख सकते हैं. बट अगर आपको थैलेसीमिया मेजर है, आपको पहले से ही पता है, आप ब्लड लगवा रहे हैं, आपको थैलेसीमिया मेजर है, सो इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी मुश्किल से होती है, बट हो जाती है, ऐसी बात नहीं है. बट प्रेगनेंसी से पहले ही आपको सारे फुल बॉडी टेस्ट करवाने हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है कि नहीं. क्योंकि थैलेसीमिया मेजर को रूटीनली ब्लड लगता है, तो उनके लिवर में, किडनी में, हार्ट में, हर जगह आयरन डिपॉजिट हो सकता है. तो ऐसी मदर्स को प्रेगनेंसी से पहले अपने सारे फुल बॉडी टेस्ट करवाने हैं, क्या वो प्रेगनेंसी ले सकती है, क्या वो सेफ है कि नहीं. और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल, जैसे दयानंद मेडिकल कॉलेज है, वहीं आना चाहिए. क्योंकि इसमें हमें हार्ट के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, थायराइड के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, शुगर के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है. क्योंकि मदर की सेफ्टी के लिए हमें टाइम टू टाइम टेस्ट करने हैं, और बेबी सेफ रहे, बेबी की सेफ्टी के लिए टेस्ट अलग चलते रहेंगे. तो इन मदर्स को बहुत जल्दी जल्दी आना होता है, और हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द थैलेसीमिया इन प्रेगनेंसी. नमस्ते.